नमस्कार, मैं डॉक्टर जैना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जूम मीटिंग पे उपस्थित है अरविंद भाई, और अरविंद भाई बेंगलोर से है, और बेंगलोर से उनको जो न्यू डाइट सिस्टम से लाभ हुआ है, तो अपना अनुभव अपनी जुबान में सबको बताना चाहते हैं। अरविंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ मीटिंग में, कैसे हो आप? बस आपको आपका दर्शन हो गया, बहुत आनंद हुआ, पर्सनली मिलने आऊंगा। हाँ जी, पक्का आएंगे, एक साल लगेगा लेकिन आऊंगा मैं, बेंगलोर हूँ अभी। हाँ जी जी, आपके काफी सारे वीडियो देखे मैंने जी। सर, आपकी उम्र कितनी है? 57। आपके भी वीडियो देखे सब, एक वन बाय वन मैंने 2-3 महीना तक लगातार देखे वीडियो। लेकिन तीन चीजें हमारे गुरु जी बोलते हैं, एक तो जानना होता है, दूसरा मानना होता है, और तीसरा करना होता है। हाँ जी, पूरा राम बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा तीन चीजें होती है। हाँ जी। जानने वाला एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ जी, काफी सारी वीडियो देखे है और सब प्रूवन है जी बाबा। दूसरी बात, जानने के बाद मानने का सवाल रहता नहीं है, वीडियो देखने के बाद जी मान लिया मैंने 3 साल पहले जी। फिर मैं ऐसा ढूंढ रहा था, न तो मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि मेरा वेट 128 किलो था 3 साल पहले, और काफी सारी हाँ 128 जी जी। ये जर्नी 3 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम पे सब चीज था मेरे में, हार्ट का ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बीपी, काफी सारी गोलियां, पूरा दिन से सुबह से नाश्ता से लेके शाम को खाने तक हर दफा 2-2, 3-3 गोली, 10-12 गोली चल रही थी मेरी। हाँ जी। और मैंने वीडियो देखा, और मैंने पहले 2-3 दिन में मैंने चेक किया तो बीपी रेगुलर आने लगा, तो बीपी की गोली छोड़ दी जी। फिर धीरे धीरे चेक किया, फिर डायबिटीज की छोड़ दी जी। फिर 15 दिन महीने के बाद मैंने रिपोर्ट निकलवाया तो नॉर्मल वैल्यू के नीचे आ गया जी। तो हमारे एमडी डॉक्टर को मैं दिखाने गया तो बोला, आपने क्या चमत्कार किया, डायबिटीज इतना पुराना चला गया, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल वैल्यू के नीचे है। हाँ। अभी मैं बोला, सर ये सब अभी मैं लास्ट 1 वीक से ऐसे भी मैं गोलियां नहीं ले रहा हूँ, हमारे सिस्टम में अभी निकाला है मैंने तो रिपोर्ट सब नॉर्मल के नीचे है, तो अब क्या करने का जी। तो सर जी ने मेरे को डॉक्टर ने बोला कि तुमने डाइट में कोई चेंज किया, क्या किया? तो मैंने काफी सारी चीजें बताई जी। तो इधर वो डॉक्टर ने बोला, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका जो डाइट है बहुत अच्छा है और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं बोला, अभी क्या करने का, गोली खाने की? क्या है कि घर वाले जब गोली नहीं खाते है ना, तो उसको लोग डर जाते है कि इतना वेट है, बीपी की गोली नहीं खाएगा, डायबिटीज नहीं खाएगा तो तकलीफ हो जाएगी जी। तो उसने लिख के दिया मेरे को कि आपको अगर यही डाइट फॉलो कर रहे हो जी, और ये रिजल्ट से अगर गोली खाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, बीपी डायबिटीज सब उल्टा हो जाएगा। अभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट है और बहुत खुश हो गए थे, और घर वाले जब देखा डॉक्टर ने लिख के दिया तो घर वाले भी खुश हो गए जी। और मैंने उस टाइम में 3-3.5 महीने में 28 kg वेट लॉस किया था। ओके। और पूरी दवाइयां मेरी सब बंद थी, डेली 5 गोली डायबिटीज की, 1 कोलेस्ट्रॉल की रात को, दोपहर को ब्लड पतला करने वाली गोली जी, और आयुर्वेद की कुछ दवाइयां मैं ले रहा था। अच्छा। और गोली तो मैं नहीं था, गोली सब बंद कर दिया मैंने, और अब तो मेरे को भगवान पे भरोसा करूं कि नहीं करूं, लेकिन एनडीएस पे तो करना ही है जी। जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना ट्रस्ट किया हमारे सिस्टम के ऊपर इसके लिए। सर, अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जैसे बताया जाता है कि शाम को आपने लास्ट डिनर जो कंप्लीट कर दिया जी, वैसे तो मैं डिनर नहीं करता हूँ, पहले मैंने पूरा महीना रसाहार किया। हाँ। मान लीजिए शाम को 8 बजे लास्ट जो जूस ले लिया जी, बाद में पानी भी नहीं लेता हूँ, और सुबह में उठ के पहले एनिमा करता हूँ, और मेरे को एनिमा का आपका वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया जी। इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल दिया है, तो दिन में 3 बार करना है एनिमा, और 1 बार में 3 बार, पहले मैंने 1 महीना ऐसे ही किया। और ऐसा बोलते हैं ना, मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो एक नोटिस बोर्ड पे दीवार पे लिखा था, इफ यू वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ यू हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट।
इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यस, मेरे को एक नया स्लोगन दिमाग में आया। हाँ जी। कि हेल्थ वाली चीज आपने पकड़ी है तो ये उसके अंदर तीनों चीज एनडीएस में आ जाती है। हेल्थ आपका कंप्लीट हो गया तो आप जो खर्चा बचता है तो आपका जो वेल्थ वो भी क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और कैरेक्टर की बात करें तो आप सात्विक पूरा लाइफ हो जाता है तो परमानंद में रहते हैं। आपके काफी सारे वीडियो मैंने वो भी देखे कि जो लोगों को चस्का लगाना है उसके लिए भी जो वीडियो बनाए आपने। हाँ जी। जो रोड आए थे ढोकला का काफी सारी चीजें बनाए है तो आपने तो हद कर प्रयत्नों की भी हद कर दी। जी जी। मैंने तो मंचूरियन भी बनाया है, फ्रेंकी भी बनाई है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि क्या खाए। तो हमने 100 रेसिपीज बना के बताई है कि आप पेट भर के खाओ और स्वस्थ रहो। 100 जूस बना के बताए हैं कि पेट भर के पियो और स्वस्थ रहो। दवाई बिना की दुनिया जो है वो हमारी प्रकृति में और कोई खाना नहीं पकाता। एक इंसान को ही आदत है कि बस खाना पकाओ, सुबह हो गई खाना पकाओ, शाम हो गई खाना पकाओ, कोई गेस्ट आ गया खाना पकाओ, बाहर जाते हैं खाना खाओ, बस एक ही आदत लगी रहती है कि पूरे दिन खाना खाओ खाना खाओ खाना पकाओ। अरविंद जी, आपने 3 साल से ये सिस्टम से जुड़े हो, एनिमा से क्या क्या लाभ होता है वो बताइए। अनबिलीवेबल बेनिफिट है उसका जी। जैसे जैसे मेरा 100 वेट हो गया ना तो सबको सरप्राइज लगा उस टाइम पे। हाँ जी। और हम सोचते हैं कि हमारे बॉडी में कोई कचरा नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो, हम तो टॉयलेट रेगुलर आता है, क्या जरूरत है। ये सब ढकोसली बातें है कि जो भी कचरा आपने जो खाया है, आपने पिज्जा खाया है, फिर मान लीजिए आपने मैदे की चीजें खाई है, फास्ट फूड खाया है, तो सब जमा ही है अंदर। ऐसा अपना जैसे बोलते हैं ना कि जो अपना सही फ्यूल होना चाहिए वो सही फ्यूल नहीं लिए रहे तो अंदर तो कचरा जमा ही है। जब निकालते रहते हैं तो कितना निकलता है कचरा, जैसे टायर होता है ना उसका ट्यूब कैसा होता है, ऐसा ऐसा निकलता है। तो अभी तो लोगों को सुनने में भी मजा नहीं आएगा, ऐसी चीजें निकलती है अंदर से। हाँ जी जी जी, सच बात है। लेकिन ये सत्य हकीकत है कि हमने इतना गंदगी खाई है कि इतनी गंदगी निकलती है। इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें सुनना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोगों ने इतना पेट भर भर के खाया है, इतनी गलत चीजें खाई है, तो वो तो निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो हॉस्पिटल है तो है बर्बाद होने के लिए। ज्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग क्या है, गुरुमुखी है, अंतर्मुखी है जी। आत्मा परमात्मा को मानने वाले लोग है, साधना करते हैं, सुबह में उठ के माला जपते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जो सत्य पथ पे हम फॉलो करते हैं जी। लेकिन उसमें ध्यान और करने के बाद भी जो स्थिति नहीं रहती है, यहाँ सात्विक भोजन से अपने आप स्थिति बन जाती है, जो आनंद में बोलते हैं निजानंद की मस्ती। हाँ जी। वो सब लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात जी, ये वर्ड्स में आने वाली बात नहीं है जी। जैसे आपकी आंखों को देखते हैं, आपका चेहरे को देखते हैं, गुरु जी का चेहरे को देखते हैं, आंखों में तेज देखते हैं और निजान की मस्ती क्या होती है वो तो हमने बहुत अनुभव किया है साधना कर करके। हाँ जी। तो ये तो फ्री में मिल जाता है बिल्कुल जी। सर आप पूरे महीने 1 महीने से जूस पे हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जूस से पेट नहीं भरेगा, जूस से वीकनेस आ जाएगी। आपने कितना जूस पिया और आपको क्या क्या लाभ हुआ? अभी मैं सुबह में जैसे एनिमा कर लिया और बाद में 12-1 बजे के बाद स्टार्ट होता है, ग्रीन जूस 2 ग्लास लेता हूँ और साथ में फिर दूसरा वाटरमेलन है या जो भी अवेलेबल है फ्रूट वो खा लेता हूँ। फिर शाम को टाइम होता है तो शाम को मैं ये प्रयत्न करता हूँ 7 बजे पहले अगर ये कंप्लीट हो जाए ना तो बाद में खाना ना पड़े। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को भी आप बताते हो कि आपका बीपी कैसे क्योर हो गया, डायबिटीज कैसे क्योर हो गया, वो सब कुछ आप बताते हो। आपसे जुड़े हुए समाज में जितने लोग हैं उन सबको भी आप क्या एडवाइस देते हो? लोग तो बहुत बहुत होशियार है, मेरा मिसिस भी बहुत होशियार है जी। उसको बोलते हैं ना कि ये चीज में परमात्मा चाहे ना वही आ सकता है, बुद्धि वाला लोगों का काम ही नहीं है। अभी मेरा मिसिस की बात करे तो वो देख रही है, उसके सामने में सब दवाइयां सब बंद कर दिया है, वेट मेरा कम हो रहा है, सब वीडियो देख रहा हूँ। अभी वो गुजरात गई है पंचकर्म करवाने के लिए, लेकिन मेरी चीज में
ओके मेरे से तो खाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ पाती। और पंचकर्म ये घर बैठे पंचकर्म से अच्छा हो रहा है, फिर भी 30,000 रुपीज खर्च होगा। अभी गुजरात गई है 15-20 दिन के बाद। अच्छा। उसको जैसे अभी आपका एक वीडियो मैंने देखा कि L3, L4 और L5 जो करोड़रज्जू का मन के में प्रॉब्लम है, गैप का प्रॉब्लम, और कैसे वो बहन खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और वो अपने घर में जो छोटी बच्ची है उससे भी कम उसका वेट हो गया, गोली सब छूट गई। वो वीडियो में कितनी दफा मेरी मिसेस को भेजा लेकिन वो देख ही नहीं रही है जी। इसमें ये सब ले सके ये पॉसिबल नहीं लगता है मेरे को। हाँ ऊपर ये क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ना कभी भंडारा होता है तो संत लोग बोलते हैं यही वही लोग आएंगे जो ऊपर वाला चाहता है। सब लोग नहीं आ सकते, तर्क वाले लोगों के लिए यहाँ तो रास्ता क्लोज ही है, सब रास्ता बंद हो जाएंगे तो यही आना पड़ेगा। एमडी डॉक्टर है या रामदेव बाबा के यहाँ मान लीजिए योगग्राम में जाके आया, प्राणायाम डेली कर लिया, लेकिन आना तो इधर ही पड़ेगा, उसको कोई रास्ता है ही नहीं जी। बहुत सारे लोगों ने एलोपैथी यूज कर लिया या फिर होम्योपैथी यूज कर लिया या फिर आयुर्वेदिक यूज कर लिया, कहीं पे भी फायदा नहीं हुआ, फिर लास्ट में आते हैं न्यू डाइट सिस्टम करने के लिए और उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है कि चलो ट्राई कर लिया तो फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो दूसरे लोगों को भी बताते रहते हैं। सो जितने लोगों को पता चलेगा उसमें से जितने के कर्म अच्छे होंगे, नसीब अच्छा होगा, वो सारे लोग करते भी है। मैं आपको मेरी बेटी की तरह मानते हूँ जी, क्योंकि के मेरी बेटी है, भाई की लड़की कोमल है, आपकी जैसी पतली भी है और वो LLB किया हुआ है, लेकिन उसके साथ जब कुछ बातें करते हैं तब पूरी जब तक डिटेल खत्म नहीं होती, छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर पूरी डिटेल खत्म करके बात खत्म करती, वही आदत आप में है जी। कुछ छूट ना जाए कहने में, वो आपका मैंने देखा है वीडियो। आप सभी साधकों का हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है, इसकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा काम जो है वो और भी आगे बढ़ रहा है, आप सभी के आशीर्वाद से ही ये सब पॉसिबल हो रहा है। अरविंद जी आपने ये 3 साल से तो किया, आपको लाभ भी हो रहा है। मैं बहुत प्यार करता हूँ ये सिस्टम को, क्या है कि चीजें अचीवमेंट में देखा जाए तो काफी सारी चीजें उसमें, जैसे बोलते हैं कि कैंसर है, काफी सारे ऐसे डिसीज है जिसका नाम भी हमको नहीं मालूम, लेकिन ये सब भी सॉल्व हो जाते हैं इधर। रामदेव बाबा कितना प्राणायाम कराते, डेली 1-1 घंटा कपाल भाती करो, ये करो वो करो, फिर भी वो करते रहो तब तक, यहाँ तो तुम्हारा खाने में ही सब हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इधर। सर आप दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? दूध की प्रोडक्ट के बारे में सब वात पीत और कफ तीनों बड़े सबसे भारी मात्रा में प्रॉब्लम है उसमें, वात पीत और कफ, जैसे तुलसी में है फायदा, वात पीत और कफ सॉल्व करता है। अगर दूध नहीं लिया और दूध की प्रोडक्ट नहीं ले लिया तो आपको तो 50% डिसीज ऐसे ही चले जाएंगे। हमारा जो हार्ड पिंजर है और जानवर का हार्ड पिंजर कितना बड़ा है, उसमें कितनी भारी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, और अननेसेसरी प्रोटीन इंजेक्ट करते करते फिर कैंसर तक लोग पहुंच जाते हैं। जैसे कई जगह मैंने देखा है कुछ वीडियो के अंदर कि गांव में रहने वाले एकदम सिंपल रहने वाले और मिल्क की वजह से कैंसर हुआ। हाँ जी जी, हाँ तो सत्य तो कल मानना तो पड़ेगा लोगों को जी। हम तो ये बताते हैं कि मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करो, दूध की बात नहीं करते हम, चाय कॉफी आइसक्रीम छाछ दही पनीर चीज घी मक्खन बटर ये सभी चीजों का भी त्याग करना है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि दूध पीना छोड़ दो फिर आप चाय पियो पेट भर भर के, दूध की प्रोडक्ट ही बंद करनी है तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हम पूरा सेंटेंस ये बोलते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई चीजों का त्याग करना है। उपवास ये आत्मा का खोराक है जी। दूसरा लंगनम परम औषधम, ये तो सब जगह है, हमारे गुरु के आश्रम में भी है, काफी किताबों में लिखा हुआ है जी। यही लंगन कर लो तो सब चीजों से आपको छुटकारा पा जाएंगे जी। और दूसरा कि मैंने एक स्लोगन आपको लिखा है कि स्वाद या स्वास्थ्य आपकी पसंद है जी। अगर स्वाद आप पकड़ के बैठ जाओगे तो स्वास्थ्य चला जाएगा, वो पक्की बात है जी, जी। और मैंने जितने जितने वीडियो देखे उसमें जो जो भी चीजें आपको बारीकाई से मेरे को अच्छी लगी ना, उसमें मैंने अभी क्या होता है जैसे आप लोगों को पूरा ग्रुप है जी कि फॉलो करने वाला, जैसे दो भाई
दो बूढ़े लोग आपस में साथ में मिलके चलते हैं डेली, तो वो नियम होता है। तो मैंने अपना माहौल खुद क्रिएट करने के लिए क्या किया कि एक कैलेंडर बना दिया 30 डेज का। तो डेली में एक स्लोगन आगे करता हूँ और मैंने मेरा नियम बना दिया। तो मैंने क्या किया कि माहौल बनाने के लिए वो सब जो जो अच्छे लगे तो उसका पूरा मैंने मेरा डे शेड्यूल बना दिया। और एक कैसेट मैंने सुना था आपने कि आपका डे शेड्यूल है उसको प्रोजेक्ट की तरफ फॉलो करो जी। जैसे मॉर्निंग में उठ के आपको एनिमा करना है, रात को 10 बजे के बाद पानी भी नहीं लेना है। कभी कभी शुरुआत में हो जाता था तो मैं कूलर कर लेता था, पानी के बिना नहीं रह जाता, तो मैं पीता नहीं था, ब्रश करके कूलर कर देता था जी। फिर जो जो करना है फिर मैंने सब जो पूरा डे शेड्यूल बना के एक अच्छा आपने मैंने भेजा है एनडीएस 21 डेज चैलेंजेस ऐसे करके मैंने भेजा है आपको जी, तो पूरा चिपका दिया मेरी बेडरूम में जी। और ये जो स्लोगन वाला जो है तो मैं तो फॉलो कर रहा हूँ और सब जो जो लोग देखेंगे तो पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। और मैंने काफी सारे ज्यादातर कितने दिनों से मैं लगातार सब जगह पे मैं दे ही रहा हूँ, सब आपका वीडियो सब लोगों को बता भी रहा हूँ। और कुछ लोग अभी पहला जानना वाली चीज में लगे है, जानना खत्म होगा फिर मानना होगा। तो मेरा लड़के जो बड़ा लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा एनालिसिस है जी। और छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ा HDFC बैंक में काम करता है, दोनों मैनेजर है। तो उनके फ्रेंड कुछ लोग आए थे तो उनकी वजह से कोरोना हमारे घर में आया। अच्छा। तो सब लोगों को सरप्राइज ये लगा कि मेरा रिपोर्ट में कोरोना बता रहा है कि कोरोना हुआ है जी। लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं। अच्छा। मेरे को एक सेकंड के लिए भी फीवर नहीं था। अच्छा। 14 दिन में आइसोलेट रहा, लेकिन मेरा मिसिस को भी फीवर आ गया, घर में जो लोग एनडीआरएफ किए सबको फीवर आया, 2 दिन 3 दिन सब लोगों ने गोलियां खाई, मैंने कोई गोली नहीं खाई जी। कोरोना के टाइम में और हम लोगों को थोड़ा ऐसा पावर आ जाता है कि मास्क पहने नहीं पहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जी बहुत अच्छी बात है, सब कुछ होगा धीरे धीरे, लोग समझे या ना समझे हम खुद समझ जाए यही हमारे लिए हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। बहुत अच्छा लगा अरविंद जी, आपने अपना अनुभव बताया, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या आप कहोगे कि अगर आपका वजन बढ़े नहीं, आपको बीमारी आए नहीं, तो हेल्दी कैसे रहना चाहिए? मेरा मैसेज ये है पूरा वर्ल्ड के, जिसे ये आपका गोल इतना बड़ा है, नहीं इतना बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है आपका कि वर्ल्ड विदाउट पेन, वर्ल्ड विदाउट सोरो, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो मेरा मैसेज यही है कि जितना जानना है जान लो, लेकिन आना तो यही पड़ेगा। और आपका हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज एनडीएस में है ही है। खर्चा बहुत ही कम हो जाता है ये सिस्टम फॉलो करने के, दवाई का खर्चा बच जाता है। दूसरी बात यह है कि दवाई का खर्चा बच गया तो अगर वो सेविंग हो गया तो तुम्हारा वेल्थ क्रिएट हो गया। अगर सात्विक जीवन जीते हैं तो मानव में परस्पर देहों का भाव आ जाता है, तो गंदी बुराइयां छूट जाती है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजों का एकदम सही पैकेज है जी। अरविंद जी आपने तो मैं यही बात कहूंगा, यही वही आएंगे जो ऊपर वाला बुलाना चाहता है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि अगर हम ईश्वर को फॉलो करेंगे तो हम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अभी तो सरप्राइज तो मेरे को एक आपका वीडियो देखा कि चश्मा भी लोगों का चला जाता है। हाँ जी। एक और बाल भी नहीं आ जाते हैं। सर आपने बेंगलोर से इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिलने के लिए आ सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप ऑर्डर करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या तो फिर एनिमा पॉट आप हमसे मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। एक लास्ट मैसेज है मेरा। हाँ जी, यस बोलिए। जो लोग अकेले अकेले एनडीएस कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि प्लग रहने के लिए
डेली कोई ना कोई एक एनडीएस का वीडियो देखो या जर्नल बेटी का देखो तो सबसे प्यारा वीडियो है जी। तो मेरा यही सजेशन है, अगर डेली वीडियो देखते हैं ना तो प्लग रहेंगे जी। और अगर वीडियो देखना छोड़ दिया तो फिर दोबारा सब पक्का खाना चालू होगा, फिर प्रॉब्लम चालू होगा जी। नमस्कार जी, थैंक यू, प्रणाम, आशीर्वाद है बेटा जी। मैं अहमदाबाद चले आऊंगा आपको जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी।